हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। मुनव्वर फारूकी का शो डोंगरी टू नाउ हियर 15-16 जुलाई को होने वाला था, वो कैंसिल हो गया है। मुनव्वर फारूकी का शो हर स्टेट्स में हिट रहा है। खबरों के अनुसार मुनव्वर के पास की कुछ चीजें उनके करंट शो पर असर डाल रही है, जैसे मुनव्वर के पास के शो की बातें, वो कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेडी कॉमेंट्स, ये सब फिर से एक बार मुनव्वर पर भारी पड़ने लग गई है। पुणे के बजरंग दल ने कहा है, मुनव्वर फारूकी का शो हम पुणे में नहीं होने देंगे। इसी के चलते मुनव्वर फारूकी के शो को बैन कर दिया गया है। इस खबर के बाद मुनव्वर के फैंस और ऑडियंस काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी खबर है, बिग बॉस 16 का न्यू सीजन जल्द ही आने वाला है। ताजा खबरों के अनुसार मुनव्वर फारूकी हो गए हैं एज फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट के लिए। मुनव्वर का नाम पहले से ही सुर्खियों में था बिग बॉस 16 के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि मेकर्स ने कर दिया है मुनव्वर को कन्फर्म। बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश थी, प्रतीक सहजपाल फर्स्ट रनर अप थे। बिग बॉस 15 टीआरपी के मामले में बहुत ही जबरदस्त कर रहा था अपने पहले ही हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में टीआरपी डाउन हो गई थी काफी, कुछ कास्ट कमाल नहीं कर पाया था पिछला सीजन टीआरपी मेंटेन रखने के मामले में। अब देखना यह है, इस सीजन में मुनव्वर जैसे अगर धमाकेदार कंटेस्टेंट आते हैं तो उम्मीद करते हैं इस सीजन टीआरपी बिग बॉस 16 के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी। खबरों के अनुसार मेकर्स ने कई सेलिब्रिटीज को अप्रोच भी किया है, कुछ नाम सामने आए हैं जैसे अर्जुन बिजलानी, सनाया ईरानी, शाइनी आहूजा एंड दिव्यांका त्रिपाठी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।